The seventh MCQ is that what is the slope of line perpendicular to 2x plus 3y is equal to 6. इस लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, उसका स्लोप मांगा गया है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। अगर इनकी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन हो, ax plus by is equal to c, अगर इस फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, तो उसका जो स्लोप होता है m, उसका शॉर्टकट है माइनस ए बाई बी। ये ए रहा, ये बी रहा, सो इस लाइन के मुताबिक देखो ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सो माइनस टू डिवाइड बाई थ्री। ये शॉर्टकट से करना है, सही, शॉर्टकट से ये स्लोप आ गया। तरीके से किस तरह करें, तरीके से भी कर लेते हैं। तरीका ये कि इस लाइन की इक्वेशन को y is equal to mx plus c के फॉर्म में लिखो, सो 2x plus 3y is equal to 6, इसको लिखो y is equal to mx plus c के फॉर्म में, मतलब y पूरा एक साइड पर और बाकी स्टफ दूसरे साइड पर, सो 3y is equal to 6 minus 2x, 6 minus 2x या 3y is equal to minus 2x plus 6, सही है, मैंने सिर्फ इस साइड को रीराइट कर लिया, y is equal to minus 2 by 3x plus 6 by 3, तो ये y is equal to mx plus c के फॉर्म में, एंड mx plus c में जो जो m होता है ये स्लोप होता है, m के साथ कंपेयर करो mx के साथ, तो m is equal to minus 2 by 3 इससे भी आता है, m is equal to minus 2 divided by 3 इससे भी आता है, और इससे भी आ गया m is equal to minus 2 by 3, लेकिन ये तो हमने पहले लाइन का स्लोप मालूम कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लो, इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, किस तरह करना है, इसको माइनस टू बाई थ्री इसको पहले नेगेटिव करो, तो माइनस इनटू माइनस टू बाई थ्री, मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, अच्छा तो ये हो गया टू बाई थ्री, अब इसको रेसिप्रोकल कर लो मतलब उल्टा कर लो, तो ये हो गया थ्री बाई टू, सो उस लाइन का स्लोप होगा थ्री बाई टू।